नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आज मैं एक नए वीडियोस के साथ दोबारा लौट आया हूं। और आज हम इस लड़की का पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं जो कि मेरे फ्रेंड की जानने वाली है और उसी ने मेरे को ये फ़ोटो भेजा है और वो चाहता है कि मैं इस लड़की का पोर्ट्रेट बनाऊं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है, तो जैसे कि पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और फिर बेसिक स्ट्रक्चर बनने के बाद आप उसे थोड़ा सा क्लीन करेंगे तो उसका फाइनल जो आउटलाइन है हमें वो एक तरह से निकालना होता है। और जब हमारा फाइनल आउटलाइन किसी भी चीज़ का कैरेक्टर हो या पोर्ट्रेट हो निकल जाता है तब हम उस पर सॉलिड कलर करते हैं। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख भी सकते हैं, मैं अभी सॉलिड कलर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इसमें सेकेंडरी कलर करूँगा ताकि जो बेस कलर है इसमें ओरिजिनल वाले फ़ोटो में जो है वो इसमें आ सके और फिर हम इसको स्मूथ करेंगे ताकि एंड में हम इसको रियलिस्टिक सा फील दे सके। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने जितने भी सेकेंडरी कलर इसमें डाले थे अब मैं उनको स्मूथ करने लगा हूँ। गाइस, जब भी हम डिजिटल पेंटिंग करते हैं तो उसमें लिक्विफाई का हमेशा यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है हमें प्रोपोर्शन को करेक्ट करने में। ठीक है, तो आप अगर जब भी डिजिटल पेंटिंग करें तो डेफिनेटली लिक्विफाई का यूज़ करें। और गाइस, जब भी जैसे कोई छोटी एरियाज में अगर हमें कलर करना होता है तो डायरेक्ट ब्रश का यूज़ ना करते हुए आप जो सिलेक्शन बना के उसमें यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपका कलर हर जगह फैले ना। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कई बार इसमें सिलेक्शन बना के कलर यूज़ किया है, वो इसी वजह से ताकि कलर ज़्यादा फैले ना और मुझे ज़्यादा इसमें मेहनत ना करना पड़े ताकि काम जल्दी जल्दी हो सके, तो इसके लिए हम सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें बेसिक कलर और स्मूथ करने का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया है और अब मैं इसके बारीक डिटेल पे जा रहा हूँ, मतलब छोटी छोटी एरियाज में जो जो कलर मतलब फैले हुए हैं उनको ठीक कर रहा हूँ और पोर्ट्रेट को सही बना रहा हूँ बस। गाइस, इसके बालों को बना रहे हैं। गाइस, इसके बालों को जो हम कलर देते हैं उसके लिए हम बेसिक कलर तो डालते ही डालते हैं लेकिन साथ ही साथ हम एक ब्रश भी बनाते हैं। तो जैसे कि ये देख सकते हैं मैंने अभी इसमें ब्रश बनाया ये वाला और फिर इसी का यूज़ करके मैं इसके बालों में कलर डालूँगा ताकि पूरे मतलब बालों में जो है रियल बालों का फील आ सके। अभी आप देखेंगे इसमें कि किस तरीके से इसमें ये जो नॉर्मल बाल लग रहे हैं ये रियलिस्टिक टाइप के लगने लगेंगे सिर्फ ब्रश के कारण। ठीक है, और फिर उस ब्रश का यूज़ करके हम नॉर्मल ब्रश का भी इसमें यूज़ करेंगे ताकि और सही से आ सकें। और गाइस, जब भी हम डिजिटल पेंटिंग करते हैं तो ब्रश चाहे हमारे पास कोई सा भी हो हमें उसके साइज को जो है मैनेज करना आना चाहिए तभी हम अपने पेंटिंग को सही तरीके से मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डिजिटल पेंटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मैं अभी सिलेक्शन बना के इसके जो है चिन एरिया को जो है ठीक कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है गाइस। आप जब भी डिजिटल पेंटिंग करें तो आप सिलेक्शन जरूर लें।
इससे काफ़ी हेल्प मिलती है डिजिटल पेंटिंग में, और छोटे छोटे एरियाज़ को डिटेल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि मेजर एरियाज़ को हम पहले ही कवर कर लेते हैं फ्लैट कलर डाल के, उसके बाद आता है हमारा स्मॉल डिटेल डालने का काम। तो वो सिर्फ सिलेक्शन, वो आप सिलेक्शन का यूज़ करके आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मैंने बालों में जो कलर करना था वो कर चुका हूँ, और छोटी छोटी डिटेल जो इसमें होनी चाहिए मैं वो इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, और गाइस डिजिटल पेंटिंग में आपको ये भी ट्राई करना है, जब भी आप डिजिटल पेंटिंग करते हैं तो ज़्यादा मतलब डिटेल में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा डिटेल में या कलर जो हम पिक करते हैं उसे ज़्यादा मतलब डार्क या फिर ज़्यादा लाइट लेते हैं तब हमारा डिजिटल पेंटिंग जो है ख़राब लगने लगता है। तो आपको जो है कलर के मिडल एरिया में ही रहना है। अगर आप मेरे कलर सिलेक्शन पे भी अगर ध्यान से देखेंगे, जितनी बार भी मैंने कलर सिलेक्शन किया है वो मिडल एरिया से ही ज़्यादातर मैंने सेलेक्ट किया है, और कहीं कहीं पे जो ज़्यादा डार्क है उसके लिए बस मैं जो है हाई कंसंट्रेशन मतलब डार्क एरिया की तरफ गया हूँ, बाकी जो मैक्सिमम टाइम मैं जो हूँ मिडल एरिया पर ही रहा हूँ। बस यहाँ पर हमारा डिजिटल पेंटिंग कम्प्लीट हो चुका है, मैंने कैमरा रो सिलेक्शन का यूज़ किया है और डिफरेंट तरह के वेरिएशन इसमें डाले हैं मतलब कलर को करेक्ट करके, और फिर अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।